हम यही कहेंगे कि आपसे क्षमा चाहते हैं कि कुछ समय के लिए मैच रुकाया गया था, लेकिन अब रणजीत चषक की फिर से एक बार मेजबानी ऑन होती हुई स्टार्ट होती हुई रणजीत चषक 2020 सलामी बल्लेबाजी की जोड़ी आसिफ और उनका साथ देने के लिए स्ट्राइक पर इस वक्त एक डेंजर बैट्समैन, एक बेहतरीन खिलाड़ी, स्टार ऑफ ठाणे के खिताब से नवाजा गया खिलाड़ी इस वक्त विकेटों के बीच में अख्तर, उसी तरीके से नॉन स्ट्राइक हैंड पर है आसिफ। यस, इस प्रतियोगिता में जो सबसे ज्यादा सिक्स जड़ेंगे उनके लिए यहाँ पर इनामी राशि सुशांत मुकादन ने जरूर बल्ले के रूप में रखी है, बैट्स उनकी तरफ से गिफ्ट हैम्पर के रूप में मिलेगा और खुद भी रेस में रहेंगे, खुद भी सिक्सों की रेस में वो रहेंगे आसिफ खान और अख्तर शेख, एक बड़ा नाम। इसी बीच कल्पेश की अगली गेंद, अच्छी गेंद थी, फुल एंड डिलीवरी थी, ब्लॉक हॉल में डाली गई गेंद थी, बल्ले की जड़ से विकटों को बचाया यहां पर, बिल्कुल कैंसर डिलीवरी कहा जाता है इस गेंद को, अगर आपने सही वक्त पर इस गेंद का इलाज नहीं किया तो आपकी विकेट कंफर्म। लेकिन बहुत ही बढ़िया तरीके से यहां पर गेंद को उन्होंने सम्मान दिया, एक रन जरूर यहां पर पूरा किया और एक रन के साथ अपना खाता जरूर खोला। एमबी स्पोर्ट्स मात्रे ब्रदर्स की एक मेरे ख्याल से बैट मिस हो गई यहाँ पर खिलाड़ी की, ब्लू कलर ग्रीन कलर का ग्रीप है, किसी को अगर मिले तो प्लीज़ हम तक के ज़रूर पहुँचाइए। और यहाँ पर देखिए दुर्घटना घटती हुई, विकेट का पतंग होता हुआ बड़ी मछली जाल में फंसती हुई, सलामी बल्लेबाज के रूप में आए हुए खिलाड़ी आसिफ आउट होकर पवेलियन की राह लौटते हुए। विकेट का पतंग हुआ है, एक बड़ा झटका इस वक्त जरूर भंडारी वॉरियर्स की टीम को लगता हुआ, न्यू बैट्समैन विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए एम्ब्रूस खान, गति के महारथी राबोड़ी एक्सप्रेस इस वक्त बल्लेबाजी की कमान पर। गेंदबाज की मैं यहां पर प्रशंसा करूंगा, कल्पेश क्या लाजवाब गेंदबाजी करें, अच्छी लाइन की, अच्छे टप्पे की और बेहतरीन उमदा तरीके की गेंदबाजी जरूर देखने मिलती हुई। जो हमारे दर्शक इस मैच का आनंद ले रहे हैं उनका फिर से एक बार हार्दिक स्वागत आज के दिन यानी मेगा फाइनल डे में। इस बार ये कारपेट के सहारे खेलने की चाहत और यहाँ पर एक रन मिलेगा जरूर। बिल्कुल इस प्रतियोगिता में रंजीत फाउंडेशन के जितने भी सदस्य हैं जिन्होंने मेहनत की है उनका हम दिल से धन्यवाद करते हैं। जिस तरीके से अगर बात की जाए मनोज सर हो, उसी तरीके से अगर देखा जाए जीतू हो, मोहम्मद हो, अयूब हो, साहिल हो, डीजे सैंडी हो, जितने भी तमाम सपोर्टर्स हैं इनका हम धन्यवाद ज़रूर करते हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे जो कमेंट्री बॉक्स के सामने स्क्रीन के सामने जो दर्शक नहीं बल्कि हमारे कमेटी के सदस्य हैं, मनोज सर थोड़ा सा प्लीज़ थोड़ा सा साइड में आ जाए, धन्यवाद, थैंक यू सो मच। इस बार देखिए ये अच्छा स्ट्रोक था, दो रन के लिए दौड़ ज़रूर लगी है और यहाँ पर दो रन पूरे किए, जब तक के डीप एक्स्ट्रा कवर के खिलाड़ी गेंद को फील्ड करते दो रन यहां पर पूरा किया दोनों ही बल्लेबाजों ने। इस दो रन के साथ स्कोरबोर्ड पर स्कोर इस वक्त तक कन्वर्ट होता हुआ दर्शाता हुआ जा पहुंचा है चार रनों पर, वन टू गो। इस बार करारा प्रहार, गेंद जाती हुई डीप काउ कॉर्नर बाउंड्री के बाहर, छह रनों के लिए।
समय आपका अच्छा चलेगा, तभी समय आपका साथ देगा। अगर आपने समय की इज्जत नहीं की तो यहाँ पर कमेटी आपकी इज्जत नहीं करेगी, आपको डायरेक्ट पेनल्टी घोषित करेगी, ये चीज़ आप ध्यान में रखिए। तो चलते हैं, नए गेंदबाज आए हैं इस वक्त गेंदबाजी की कमान पर, महेश को लाया गया है गेंदबाजी की कमान पर। इसी बीच ये गेंद बड़ा हिट लगाने की चाहत, जोरदार अपील में उत्साह ज्यादा, आत्मविश्वास की कमी यहाँ पर खलती हुई नजर आई। यस, दोनों ही अंपायर्स आपस में बातचीत यहाँ पर करेंगे ज़रूर। देखने वाली बात यह है, क्या बैट को चूम कर गेंद कीपर के दास्तानों में गई है। जिस तरीके से कीपर अपील कर रहे हैं, उनका कॉन्फिडेंस देखिए, कॉन्फिडेंस लेवल देखिए, काफ़ी हाई नज़र आता हुआ। अंपायर की अगर हम बात करें, अनुभव से भरपूर, हम अक्सर कहते हैं यस नट आउट, यस अंपायर यहां पर नट आउट घोषित करते हुए, अक्सर हम यही कहते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में अगर कोई खिलाड़ी संन्यास लेता है तो वो कमेंटेटर बनता है, लेकिन टेनिस क्रिकेट में अगर कोई संन्यास लेता है तो वो अंपायर बनता है, क्योंकि उनके पास अनुभव है, उनके पास ढेर सारा अनुभव ज्ञान है। इस बार घुटना टेक कर तमाशा दिखाना चाह रहे थे गेंद हवा में, और यहाँ देखिए थोड़ी सी गेंद फंबल हुई थी और एम्ब्रोस खान जैसे खिलाड़ी आउट होकर पवेलियन की तरफ लौटते हुए। अजहर के बारे में दर्शकों को हम ज़रूर बताना चाहेंगे, क्रिकेट से वो कितना प्यार करते हैं। क्रिकेट से उन्होंने अपने वेट को देखिए, फिट रहने के लिए अपने वेट को लॉस किया, बैटिंग करने के लिए और अपनी टीम को एक अच्छा खिलाड़ी मिले इसलिए उन्होंने 35 केजी वेट लॉस किया है। 35 किलो वेट लॉस कर उन्होंने यहाँ पर ये चीज़ को प्रूफ किया है कि वो क्रिकेट के प्रति कितना प्यार करते हैं। नॉन स्ट्राइक हैंड पर है इस वक्त गेंदबाज की मैं प्रशंसा जरूर करूंगा, महेश अच्छी गेंदबाजी कर रहा है इस बार की। आ देखिए प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ बाउंड्री के बाहर, अक्कू ऑन फायर, गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, 6 रन। अक्कू अभी भी विकटों पर इस वक्त परफॉर्मेंस करते हुए नजर आ रहे हैं, ये ऑपोजिट टीम के लिए सबसे बड़ा कांटा माना जाएगा। इसी बीच ये गेंद, एक और प्रहार करना चाह रहे थे, कारपेट के सारे खेला गया, स्ट्रोक, गेंद आती हुई इस वक्त मिड विकेट के क्षेत्र में, 1 रन, 1 रन से ज्यादा कुछ नजर नहीं आता हुआ। यस, महेश की अगर बात करें तो बिल्कुल ये भिवंडी की एक नामी ग्रामी टीम लक्ष्य 11 के कैप्टन हैं, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी इन्हें माना जाता है। महेश अपने बॉलिंग मार्क पर सामना करेंगे अजहर, इस बार देखिए गति में थोड़ा सा मिश्रण किया था, चेंज ऑफ पेस गेंद ज़रूर की थी। एक बड़े खिलाड़ी की यही निशानी होती है, उनके पास वैरायटी बहुत होती है, उनके पास क्वालिटी बहुत होती है। आजकल हम मॉल में जाते हैं तो जिस तरीके से वैरायटी और क्वालिटी बहुत सारी
हमें एक ही जगह मिल जाती है, वैसे ही क्रिकेट में एक अच्छे खिलाड़ी के पास वैरायटी क्वालिटी की क्षमता हो तो वही खिलाड़ी इस क्षेत्र में अपने नाम को रोशन कर सकता है। इस बार देखिए ये अच्छी गेंद थी, टप्पा खाने के बाद गति में यहाँ पर थोड़ा सा पहनापन ज़रूर देखने मिला, लेकिन जो उछाल थी उछाल की कमी ज़रूर देखने मिलती हुई, क्योंकि विकटे इस वक्त थोड़ी सी नम है। विकटों पर रोलर चलाया गया, विकटों की मैं तारीफ ज़रूर करूँगा। रणजीत स्पोर्ट्स हर साल की तरह इस साल भी विकटों के मामले में इतिहास रचता हुआ। पिच मेकर लाजवाब हैं, जिन्होंने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के मैचेस अगर देखे हो, तमाम जो दर्शक हैं उन्होंने अगर मैचेस अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के जाकर स्टेडियम में मैचेस देखे हो तो वहां पे आप विकेट देखते हो, विकेट पर वो जो मैचेस होते हैं वैसे ही विकेट यहां पर रणजीत स्पोर्ट्स टीम की मेहनत नज़र आती हुई, उसी तरीके की विकेट उसी तरीके की छाप इस ग्राउंड पर लाने की अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट की तरह कोशिश रहती है रणजीत स्पोर्ट्स कासर वड़ोली की ये सभी मेंबर्स की। और बहुत ही बढ़िया आयोजन और नियोजन, जितनी प्रशंसा करें उतना यहाँ पर उतनी कमी होगी, लेकिन प्रशंसा के लायक ठाणा का वर्ल्ड कप क्यों कहा जाता है, ठाणा का वर्ल्ड कप नाम जो दर्शकों के माध्यम से मिला है वो क्यों मिला है, और साल साल भर दर्शक तो छोड़िए खिलाड़ी आस रखते हैं मन में कि कब होगा रणजीत चषक, और तमाम टीमें यहां पर पार्टिसिपेट करने के लिए लाइन में खड़ी रहती हैं। जैसे ही इसका फॉर्म शुरू होता है, स्क्रीन पर आता है, मोबाइल स्क्रीन पर, फेसबुक पर आता है, उसके बाद से मान लीजिए जिस तरीके से राशन की लाइन लगती है उसी तरीके से इस प्रतियोगिता में टीमों की लाइन लगती है, लेकिन कमेटी मेंबरों का काम वहाँ पर बढ़ता है। मोहम्मद हो गए, श्रीकांत भोईर हो गए, वो साथ ही साथ बात करें तो फिर मनोज हो गए, इन सब का काम बढ़ जाता है कि कौन सी टीम को लेना है, उनके ऊपर प्रेशर होता है। इसी बीच नए गेंदबाज इस बार अच्छा स्ट्रोक खेला था, गेंद आती हुई लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में एक रन ज़रूर मिलेगा, एक रन से ज़्यादा कुछ नहीं। टीमों को फिर किस तरीके से चुना जाता है, जिसने लगभग इस क्षेत्र में 4 ट्रॉफी एक सीजन में जीती हो, जिसने अच्छा परफॉर्मेंस किया हो, जिसकी टीम एक्स्ट्राऑर्डिनरी हो, वैसी टीमों को चुन चुन कर यहाँ पर मौका मिलता है और फिर यहाँ पर रचा जाता है इतिहास। इसलिए इस टूर्नामेंट को पड़ा है नाम वर्ल्ड कप, इस क्षेत्र का वर्ल्ड कप, ठाणा क्षेत्र का वर्ल्ड कप। रणजीत चषक 2020 एक बार फिर से इतिहास लिखने की कदार पर नजर आता हुआ। स्कोर की अगर बात करें, स्कोर बोर्ड पर स्कोर दर्शाता हुआ 18 रन, गेंदबाजी की जिम्मेदारी जवाबदारी संभाली है अजीत ने, सामना करेंगे अजीत का यहां पर बल्लेबाज अजहर। कारपेट के सारे एक रन, एक रन से ज्यादा कुछ नहीं। 4 ओवरों का ये मुकाबला है, 4 ओवरों में जीत किसके हिस्से आएगी ये देखने वाली बात जरूरी। अष्ट विनायक ठाकुरपाड़ा की ये टीम एक बेहतरीन टीम मानी जाती है, एक शानदार टीम मानी जरूर जाती है। बिल्कुल अगर चर्चा हम करें इस प्रतियोगिता की तो ये सीजन छट्टा चलता हुआ। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार प्रहार जरूर किया, गेंदबाज पे अत्याचार जरूर किया, गेंद को आउट ऑफ द पार्क जरूर किया और 6 रनों के लिए फरार जरूर किया। अगली गेंद लेकर तैयार, फिर से एक बार गेंदबाज, इस बार देखिए गेंद को छोड़ दिया ना कि छेड़ा, गेंद रही वाइड के रूप में, अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त शुमार जरूर होता हुआ। रनों की रन संख्या जा पहुंची है 26 रन पर, स्कोर दर्शाता हुआ 26 रन। अच्छी सूझबूझ भरी बल्लेबाजी कर रहे हैं अक्कू, क्योंकि उन्हें पता है जिम्मेदारी उनके कांधों पर है। इस बार बड़ा हिट लगाने की चाहत, गेंद जाती हुई डीप फाइन लेग बाउंड्री की तरफ 4 रनों के लिए।
ब्यूटीफुल स्ट्रोक, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक था, 4 रन मिले हैं। और मैं जिस तरीके से बात कर रहा था अक्कू की, तो बिल्कुल ये सर पे बर्फ रखकर खेल रहे हैं, यही कहा जाएगा, ठंडे माइंड के खिलाड़ी नजर आ रहे हैं। अच्छी गेंद को सम्मान दे रहे हैं, खराब गेंद पर प्रहार कर रहे हैं, बड़े स्ट्रोक जरूर लगा रहे हैं, अच्छे स्ट्रोक का आगाज। और इस प्रतियोगिता की अगर बात करें तो दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, एक मैच रखा गया था, एक ऐसे ही फ्रेंडली मैच रखा गया था कासर वड़ोली पुलिस स्टेशन वर्सेस कापूर बावड़ी पुलिस स्टेशन के बीच, लेकिन उसमें कासर वड़ोली की जो टीम है उन्होंने क्या एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस किया था, बहुत ही बढ़िया, खासकर फर्स्ट सेंचुरी बाबर सर के बल्ले से निकली थी, क्या बेहतरीन परफॉर्मेंस किया था उन्होंने, यादगार परफॉर्मेंस, एक छवि अपनी उन्होंने यहाँ पर ज़रूर बनाई थी अच्छे बल्लेबाज की। स्कोर 31 रन्स, 31 रन हो चुके हैं, टारगेट सेट करना है इस वक्त बल्लेबाजी करती हुई टीम को ज़रूर, अब देखना यह है कि कितने रनों का टारगेट भंडारी वॉरियर्स की टीम करती है। अगली गेंद लेकर तैयार गेंदबाज, इस बार मिस टाइमिंग स्ट्रोक, गेंद हवा में, खिलाड़ी गेंद के नीचे, कोई दबाव नहीं, कोई प्रेशर नहीं, आसानी के साथ इस कैच को लपका, विकेट का हुआ है पतंग। 3 ओवरों की समाप्ति के बाद रनों की जो रन संख्या है वो है दर्शाती हुई 31 रन्स, और विकेटों की अगर बात करें तो लगभग 3 विकेटों के नुकसान के बाद डीजे न्यू बैट्समैन इस वक्त महेश सर, इन्हें महेश सर क्यों कहा जाता है इसके बारे में आपको हम जरूर बताएंगे, ये PSI है महेश सर। महेश सर PSI है, पुलिस कर्मचारी हैं हमारे महाराष्ट्र पुलिस के, एक यही वो कोटा है जो कभी छुट्टी नहीं करता, साल के 12 महीने ये हमारी सेवा में रहते हैं, और वाकई में बहुत बढ़िया, उनकी निगरानी में ही हमारे बीच जो क्राइम कम होता है वो अच्छी बात है। तो बिल्कुल PSI महेश जाधव, एक डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज, बड़े हिट लगाने में माहिर खिलाड़ी, इस वक्त भेजा गया है हीटर के रूप में, अब लगाने हैं बड़े फटके, यहाँ पर देखते हैं महेश सर के बल्ले से क्या बड़े फटके लगते हैं, क्योंकि यहाँ पर टीम जो बैटिंग यूनिट टीम है भंडारी वॉरियर्स, ये रनों की इस वक्त भूखी है, अंतिम और आखिरी ओवर की जवाबदारी जिम्मेदारी किस गेंदबाज के कांधों पर दी जाएगी ये देखने वाली बात जरूरी। सुभाष आए हैं गेंदबाजी की कमान पर, सामना करेंगे अक्कू, एक डेंजर लेफ्ट हैंड बल्लेबाज, बिल्कुल खिलाड़ियों को देख सकते हैं डीप में तैनात किया गया है, 4 खिलाड़ी सर्कल के अंदर, एक पॉइंट, एक शॉट कवर और एक खिलाड़ी थर्ड मैन, एक फाइन लेग। सुभाष की पहली गेंद आउट ऑफ द ऑफ स्टंप रही, गेंद को छोड़ दिया, गेंद रही इस वक्त वाइड के रूप में, वाइड बॉल के साथ सुभाष ने अंतिम और आखिरी ओवर की है शुरुआत अतिरिक्त रनों के साथ। इसी बीच सुभाष की अगली गेंद, इस बार किया है प्रहार, गेंद जाती हुई फिर से एक बार आउट ऑफ द पार्क, 6 रनों के लिए, व्हाट अ हिट, अक्कू डेंजर विस्फोटक बल्लेबाज, ऐसे नहीं नाम बनता है, नाम बनाने के लिए आपको तपना पड़ता है, अगर सोने की अगर बात करें, सोना चांदी ये सब चीज़ें को अगर जब तक कि आप तपाओगे नहीं, जब तक कि वो आकार नहीं लेता है। 38 रन्स हो चुके हैं स्कोर बोर्ड पर, अंतिम और आखिरी ओवर का खेल जारी है, जिस तरीके से हम बात कर रहे थे कि सोने को आकार देने के लिए उससे पहले तपाना पड़ता है, उसे हीट करना पड़ता है, उसी तरीके से अगर आपको अपने नाम की पहचान, अपने नाम की छाप छोड़नी है तो फिर इस तरीके से ग्राउंड पे मेहनत करनी है, धूप में प्रैक्टिस करनी है, पसीना बहाना है, जब जाकर आपको कामयाबी मिलेगी। इस बार देखिए फुल लेंथ की गेंद थी, बिल्कुल बल्लेबाज ने बल्ले को स्विंग जरूर किया था, गेंद रही इस वक्त डॉट के रूप में,
डॉट डिलीवरी के साथ यहाँ पर अच्छा कमबैक, अच्छी वापसी करने की संकेत यहाँ पर दिए हैं गेंदबाज सुभाष ने। सुभाष की अगली गेंद, इस बारी अच्छी गेंद थी, एक रन तेज कदमों से पूरा किया है, दूसरे रन का डिमांड है और बिल्कुल डीमार्ट के पीछे किया गया डिमांड हो गया है पूरा दो रनों का, दो रन। यस, एड्रेस भी बताना हमारा कर्तव्य है जहां पर ये मैच रखा गया है, एक बेहतरीन ग्राउंड है रंजीत स्पोर्ट्स। तमाम दर्शकों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा, आप जो मैच देख रहे हैं लेकिन ग्राउंड पे भी आइए, ग्राउंड पर आकर इस मैच का आनंद लीजिए, बहुत ही सुनहरा, खाने पीने की बहुत बढ़िया सुविधा है, हर एक तरीके के आपको जीवन यहाँ पर ज़रूर मिलेंगे। इस बार ये गेंद रही फिर से एक बार आउट ऑफ द ऑफ स्टंप वाइट बॉल, वाइट के साथ अतिरिक्त रनों में एक रन इस वक्त शुमार होता हुआ, रनों की रन संख्या कन्वर्ट होती हुई स्कोर जा पहुंचा है 41 रनों पर, 41 रन। आज के दिन की अगर बात करें, वडुनोगर टीम टॉप फाइव में पहुंच चुकी है, रंजीत स्पोर्ट्स कासर वडोली टॉप फाइव में पहुंच चुकी है। इसी बीच ये गेंद डॉट के रूप में रही, जॉली बॉयज मुमरा टॉप फाइव में आ चुकी है। उसके बाद अगर बात करें, फ्रेंड्स 11 मीरा रोड टॉप फाइव में आ चुकी है। इस वक्त भिड़ंत जारी है, आज कौन सी टीम टॉप फाइव में प्रवेश करेगी इसकी खोज अभी भी, कल के दिन की खोज बाकी रह गई थी, वो खोज हम करेंगे इस वक्त जरूर पूरी। इस बार ये अच्छी गेंद रही सुभाष की, एक रन यहाँ पर पूरा किया है, दूसरे रन का यहाँ पर डिमांड है और देखिए यहाँ पर विकेट का जरूर पतंग होता हुआ रनआउट के रूप में यहाँ विकेट जरूर गिरा है, ये महेश सर का, इन्होंने विकेट त्याग दिया है, मैं तो यही कहूँगा विकेट यहाँ पर उन्होंने त्याग दिया है, अपना बलिदान उन्होंने ज़रूर विकेटों का किया है। अब देखने वाली बात ये होगी क्या इस बलिदान का कुछ फ़ायदा मिलता है या फिर सुभाष यहाँ पर अंकुश लगाने में सक्षम और कामयाब होते हैं। स्कोर की अगर बात करें तो स्कोर दर्शाता हुआ 42 रन्स, न्यू बैट्समैन इस वक्त विकेटों के बीच में प्रवेश करते हुए सचिन। और तमाम दर्शकों को मैं ज़रूर बताना चाहूँगा, आज के दिन हमारे साथ जूनियर सचिन ज़रूर जुड़ेंगे इस मंच पे। आज के दिन एंटरटेनमेंट का पैकेज आपके लिए ज़रूर रखा गया है, अंपायर गोटिया भी कुछ ही समय में हमारे साथ जुड़ेंगे इस मंच पर। इस बार देखिए क्या प्रहार, गेंद जाती हुई डीप लॉन्ग ऑफ के क्षेत्र में, दो रन लेना चाह रहे हैं और यहाँ पर दौड़कर दो रन पूरे ज़रूर किए हैं, तीसरे रन का डिमांड है लेकिन यहाँ पर तीसरा रन नहीं मिलेगा क्योंकि यहाँ पर बहुत ही बढ़िया फील्डिंग बैकअप के रूप में देखने मिली और विकेट का इस वक्त हुआ है पतंग, चार ओवरों का कोटा हुआ समाप्त। पहले बल्लेबाजी करती हुई भंडारी वॉरियर्स की टीम ने बनाए हैं रन, वो है 44 रन, लक्ष्य रखा है 45 रनों का, 45 रन टू विन, इस मैच को जीत में कन्वर्ट करना है तो 45 रन बनाने हैं। मेरे साथ जुड़ेंगे मेरे साथी कॉमेंटेटर इस मंच से ज़रूर हेमंत पाटिल, तो सुनते हैं इस मैच की कहानी हेमंत पाटिल और बंटी देसाई की जुबानी। हेलो,
धावांचा जो टार्गेट दिला होता, जे तुम्ही धावा बनवले होता त्यावेळी केलेली फलंदाजी अजूनही क्रिकेटपटूंच्या स्मरणात आहे. ठाणे शहरामध्ये जी वार्ता सुद्धा आहे की हा कोण संघ जो 5 षटकांमध्ये 100 धावा ठोकतो, रणजी स्मृती चषकाच्या या आठवणीच आहेत. बघूया आता तुम्हाला करायचे आहेत फक्त आणि फक्त 45 धावा, 100 नव्हे, 4 षटकांमध्ये. दोन्ही संघांना शुभेच्छा. प्लीज जरा फास्ट, शेवटची वॉर्निंग आहे. चेंडू जो दिला जातोय तो पंचांकडे न देता फलंदाज चेंडू घेऊन जातील आणि नंतर ते पंचांच्या हातात देतील. इतर कुठल्याही खेळाडूंच्या हातात चेंडू देऊ नये, ज्यामुळे ते त्याची फर काढण्याचा प्रयत्न करू शकतील. वेगळे नियम आहेत, अटी आहेत या स्पर्धेच्या, परंतु हा सामना वरतून वाटतो सोपा, आतून बराच गरम आहे. त्यामुळे आजची सुप्रभात सकाळ, रविवार आहे, प्रत्येकाच्या घरी आज तिखट मीठ बनलं असेल. फार चांगले दिवस आहे आजचा, कुठल्या देवाचा उपवास नाही आहे, त्यामुळे क्रिकेटची चांगली मेजवानी तुम्हाला पाहायला मिळेल आणि चव चाखायलासुद्धा मिळेल क्रिकेटची. दोन नामांकित बिनीची आघाडीची जोडी, अष्टविनायक ठाकूरपाडा भिवंडी संघाची, सागर व हरेश, या दोघांनी 90 धावाची पार्टनरशिप केली होती. या दोन्ही फलंदाजांनी एवढं यच्छेत तुडवलं होतं, यच्छेत झोडपलं होतं त्या गोलंदाजांना, अजून ते गोलंदाज उठल्यावर तुम्हालाच बघतात असं वाटतं. काय बॅटिंग, काय परफॉर्मन्स केला होता दोघांनी, परंतु दिवस वेगळा, रात्र वेगळी, दिन नया बात नाही. आणि आता उपस्थित होत आहेत आपल्या ठाणे महानगरपालिकेतील राबोडीचा एक बुलंद आवाज म्हणजे सन्मान नगरसेवक सुहास देसाई यांचं आगमन या क्रीडानगरीत होत आहे. मित्र, सखा, सोबती, मार्गदर्शक या भूमिकेत असणारे सन्मान नगरसेवक सुहास देसाई साहेब यांचं रणजी स्मृती चषकामध्ये मनपूर्वक हार्दिक स्वागत. वेलकम, गुड मॉर्निंग सुहास देसाई सर, आज इथे आहेत. हसरा चेहरा, हसरो व्यक्तिमत्व आणि मुख्य म्हणजे प्रत्येक क्षणाला साथ देणारा सोबती, मित्र, मार्गदर्शकाच्या भूमिकेत राबोडीचा एकच बुलंद आवाज सुहास देसाई यांचं हार्दिक स्वागत. सामना सुरू होतोय, फार मोठा सामना आहे, गोलंदाज आपल्या मार्गावर. हा चेंडू, स्टंप चेंडू आणि पहिला धक्का आहे बरोबर अष्टविनायक संघाला. जबरदस्त डिलिव्हरी, फलंदाज बुचकळत पडलाय, चेंडूची बाहेरची कडी घेऊन यष्टिकीच्या हातामध्ये आणि फर्स्ट विकेट डाऊन. महमूद हा गोलंदाज, त्यांनी पहिल्याच षटकात दाखवून दिलं का हा सामना अजूनही जबरदस्त लढतीने लढला जाईल. 90 धावांची पार्टनरशिप करणारी जोडी आज पहिल्या षटकात माघारी फिरते. सामना रंगणार कारण मोठा धक्का बाद झालेला फलंदाज सागर, ज्यांनी धावांची नाही भरली घागर यावेळी तरी. धावसंख्या फक्त, आणि आपण या सामन्याचं थेट प्रक्षेपण इन केबल नेटच्या माध्यमातून 274 या चॅनल नंबरवर बघू शकता. थँक्यू मिस्टर मंगेश वाळंज, आम्ही त्यांना नक्कीच धन्यवाद देऊ. मंगेश वाळंज जे आमचे आयोजक श्रीकांत भोईर साहेबांचे मित्र, त्यांनी आज ते इथे दाखल होणार आहेत. आणि आता पाहूया लढत थेट. रानल संघ आपल्याला तयारीत राहायचं, यानंतर विजयी संघाशी आपला ताबडतोब सामना खेळवला जाईल याची कृपया नोंद घ्यावी. विला स्पोर्ट रानल, गेट रेडी गाईज. गोलंदाज महमूदचा हा चेंडू, हा चांगला चेंडू डाव्याशीवरचा, त्याला दिशा देत आहेत फक्त. डीप विकेटला क्षेत्रक तैनात आहे, एकच धाव मिळेल. क्षेत्रक्षण फार उत्तम लावण्यात आलं आहे. डीप स्क्वेअर लेग माफ करा, आणि एक डीप मिड विकेट, डीप लॉंग ऑन, वाईड लॉंग ऑन म्हणावं लागेल, परंतु दोनच क्षेत्ररक्षक ऑन साईडला आहेत आणि गोलंदाज त्या टप्प्यावर मारा करतोय. गोलंदाज महमूद 3 चेंडूंमध्ये 3 धावा देतोय, परंतु एक गडी बाद करण्यात यश मिळत आहे. सन्माननीय तय्यूब शेख यांना विनंती, आपण कृपया व्यासपीठावर स्थानापन्न व्हावं. हा चांगला चेंडू, उलटा खेळण्याचा प्रयत्न, उसळी घेणारा चेंडू,
फलंदाज थोडस सैरभैर झाल्यासारखं वाटतंय, कारण आल्या आल्या समोर रिव्हर्स शॉट खेळणं फार कठीण आहे. सकाळची वेळ आहे, दोन्ही संघ आणि खास करून हा जो संघ आहे अष्टविनायक ठाकूरपाडा, या संघाची मुख्य ताकद त्यांची फलंदाजी आहे. त्यांच्याकडे मोठी लाईनअप आहे फलंदाजीचं. गोलंदाज महमूद अप्रतिम मारा करतोय, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट निघतोय. यावेळी अप्रतिम चेंडू, व्हॉट अ डिलिव्हरी दॅट इज, सुंदर चेंडू. उजव्या इष्टीचा वेध घेणारा टप्पा, उजव्या इष्टीवर टप्पा त्यांनी ठेवला. फलंदाजा नक्कीच त्या तिथे त्यांनी जखडून ठेवलं आणि फलंदाज त्या चक्रामध्येच अक्षरशः चकित होत आहेत. लागोपाठच्या या निर्धाव चेंडूंनी दबाव वाढतोय फलंदाजावर. महमूद 20 ते 25 पावलांचा लांब रनअप, लेफ्ट आर्म ओवर द विकेट, दरम्यान हा चेंडू. हा पुल करण्याचा प्रयत्न, टायमिंग केलाय क्षेत्रक्षक चेंडूच्या खाली आणि ओ हा मोठा जेल सुटलाय. फारच अति महत्वाच्या प्रसंगी टपकलेला जेल असंच म्हणावं लागेल, कारण हा जेल नव्हे तर कदाचित या कपवरचा हात सुटलाय. कारण मोठा फलंदाज बाद होता होता वाचलाय आणि त्याला मिळतोय तो आशीर्वाद, तथास्तूचा आशीर्वाद. आता काय होईल बघा, एक षटक पूर्ण झालंय, धावसंख्या 4, आता हव्यात बरोबर 3 षटकात 41 धावा. अजूनही सामना दोलनामय परिस्थितीत आहे, म्हणजे 50-50% सामना आहे. कृपया आपण ताबडतोब क्षेत्ररक्षण लावून घ्यावं, 15 मिनिटाचा कालावधी आपल्याला दिला जातोय. आणि आता व्यासपीठावर आज आपल्या सर्वांच्या आमंत्रणाला मान देऊन उपस्थित झालेले आपल्या सर्वांचं लाडकं व्यक्तिमत्व, तरुण तळपदार ठाणे महानगरपालिकेचे नगरसेवक आणि राबोडी विभागाचा विकासचा खरा मार्गदर्शक म्हणजेच सन्मान नगरसेवक सुहास देसाई साहेब यांचं इथे आम्ही हार्दिक स्वागत करत आहोत. कॅमेरामॅन प्लीज जरा इकडे झूम करावं. व्यासपीठावर सन्माननीय नगरसेवक, तरुण तळपदार, यंग आयडॉल माननीय श्री सुहास भोईर साहेब, सुहास देसाई साहेब यांचं हार्दिक स्वागत. वळूया सामन्याकडे. आज रविवार आहे, परंतु आज क्रिकेटची मस्त मेजबानी आहे आणि त्याच्यामध्ये रंगणारा हा सामना रणजी स्मृती चषक 2020 म्हणजे काय? परिवर्तन, आविष्कार, नवी योजना म्हणजेच रणजी स्मृती चषक 2020. 41 धावा 18 चेंडूंमध्ये. गोलंदाज झोएब याच्यावर मोठं आता जबाबदारी असेल. गोलंदाज आपल्या मार्गावर, हा फुलटा लोअर फुलटा चेंडू, ठीक सकाळी चेंडू फळीवर येत नाही आहे. फलंदाज वेगात चेंडू होतो त्यामुळे टायमिंग बरोबर करू शकत नाही आहेत. मिडविकेटच्या क्षेत्रात चेंडू येतोय, एक धाव फलंदाज पूर्ण करतायत. आपापले ते एंड्स बदलतायत, छोर बदलतायत, परंतु स्ट्राईक रोटेट होतोय. धावसंख्या वाढते, धावसंख्या 5 धावा 1 गडी बाद. अजूनही मोठा फटका खेळण्यास वाव दिला नाही आहे, हात मोकळे करायला वाव दिला नाही आहे. योग्य दिशा, योग्य टप्प्यावर नियंत्रित मारा होतोय. गोलंदाजाचं चांगलं प्रदर्शन, गोलंदाज आपल्या मार्गावर. फुल टॉस, खराब चेंडू आणि चौकार. बघूया पंचांचा इशारा काय तो. 22 चा चौकार. पंच त्यांना दाखवत आहेत की चेंडू कमरेवर नव्हता तर चेंडू हा खाली येत होता आणि त्यामुळेच यष्टीरक्षक चुकले, म्हणजे त्यांना तो चेंडू दिसलाच नाही एवढा तो वेग होता. आणि 4 धावा 22 च्या रूपात मिळणं म्हणजे आता लग्न सराईच्या दिवसात हा लग्नाचा आहेर देण्यासारखं आहे, कारण शॉर्ट थर्डमॅन शॉर्ट फाईन लेग सर्कलमध्ये आहेत. परंतु गोलंदाजाने ऐनवेळी वेग वाढवला आणि हातातून चेंडू निसटला, परंतु निसटला काय, 4 धावांसाठी तो सुसाड गेला डीप थर्डमॅन बाउंड्रीच्या बाहेर 4 धावांसाठी. 22 चा चौकार येणं म्हणजे फलंदाजाला एक नवीन आत्मविश्वास, न्यू ऑक्सिजन मिळण्यासारखं आहे. आता बघूया तो ऑक्सिजन कसा घेतोय, श्वास कसा घेतोय. गोलंदाज आपल्या मार्गावर, अप्रतिम फटका आणि ओ वाला कॅच, दॅट्स अ ब्रिलियंट टेक. पाहूया काय झेल टिपलाय, अप्रतिम, मार्वलस, इट्स लुक लाईक IPL कॅच. अँब्रोस आपल्या उंचीचा फायदा घेतोय, बरोबर ऐन वेळी त्यांनी जम्प केली, त्याला म्हणतात टाइम जम्प, टाइम जम्प इन एअर,
म्हणजे हवेमध्ये काय उडी मारली बरोबर त्यांनी त्या क्षणी ज्यावेळी चेंडूच्या बरोबर तो मागे आला आणि या झेलामुळे षटकाराचं रूपांतर फलंदाज बाहून तंबूत परत. फलंदाजाला स्वतःवर विश्वास नाही आहे का हा झेल टिपला गेला की नाही आहे. बघा याला म्हणतात ब्रिलियंट ब्रिलियन्स क्लास ऑफ फिल्डिंग उच्च दर्जाचं क्षेत्ररक्षण. भिवंडीचा संघ ज्यांनी 115 धावा बनवल्या होत्या त्या संघाला 45 धावा आता हिमालय डोंगर चढण्यासारखं वाटतंय. कारण दिन नया बात नाही दिवस वेगळा आणि वार्ता वेगळी. ज्याचा दिवस त्याची रात्र असं म्हटलं जातं. परंतु आता आज दिवस कोणाचा अंतिम फेरीत कोण हा चषक पटकावणार कोण लिहिणार या चषकावर नाव ते आज कळेल. गोलंदाज आत्मविश्वासनी भरपूर आपल्या मार्गावर 10-12 पावलांचा रनअप. हा चेंडू रिव्हर्स खेळण्याचा प्रयत्न आता ताही उत्साह नडतोय. फलंदाजाला चेंडू ठीकसा दिसतही नाही आहे आणि स्विच ऑफ होऊन खेळण्याचा प्रयत्न समोरकडनं त्याला फलंदाज सांगतोय. निर्धाव खेळला डॉट खेळलात दडपण तुमच्यावर येईल नवे नवे समोरील एंडकडील फलंदावर पण दडपण येईल. टेन्शन बढणे से बढता आहे. पुन्हा एकदा गोलंदाज आपल्या मार्गावर. हा उजवटच्या बर्राज बाहेरचा पंचांचा इशारा अवांतर चेंडू वाईट स्वरूपात एक निर्द अतिरिक्त धावसंख्येने धावसंख्या वाढते. धावसंख्या आता कुठे 2 आकड्यात पोचते 10 धावा. परंतु पिक्चर अजून संपला नाही आहे. या मैदानात 2 षटकात म्हणजे 12 चेंडूंमध्ये 38 आणि 42 धावासुद्धा बनवल्या गेल्या. तुमच्यामध्ये कुवत असेल ताकद असेल जर तुम्हाला लढायची हिंमत असेल तर मग तुम्ही काही करू शकता. गोलंदाज आपल्या मार्गावर. हा पुन्हा एकदा मोठा फटका खेळण्याचा प्रयत्न बैठक मारून पैठणी दाखवायचा प्रयत्न. परंतु चेंडू काय चेंडू फळवर येत नाही आहे. फलंदाज दडपणाखाली निश्चित आहे. टेन्शन मैदानात आहे. सामना रंगतोय. डॉट डिलिव्हरी निर्धाव चेंडू गोलंदाज जोहेब शेवटचा चेंडू आता घेऊन येईल आणि अक्कू विकेटच्या मागे क्षेत्ररक्षण सजवतोय. अनुभव होतो या मैदान उतरवतोय. अक्कूचा अनुभव काय आता इथे रंग रंगतो तो बघूया. गोलंदाज जोहेब पुन्हा एकदा सुंदर फटका तेवढा चांगला चेंडू जमीन लगत चेंडू येतोय डीप लॉंग ऑफला आणि यात एकच धाव मिळते आहे. सुंदर क्षेत्ररक्षण आणि चांगली फेक सुद्धा बॉलिंग एंडला. याबरोबर 2 षटकांचा खेळ पूर्ण. धावसंख्या धावफलकावर 2 गडी बाद 11 धावा. आता समीकरण काय ते बघा. 12 चेंडू आणि 34 धावा. 17 धावा षटकामागे करायचे आहेत. 17 धावा इथे होतात फक्त त्या कराव्या लागतात. आणि मीरा रोड संघ आता थोड्या वेळ तिकडे आपल्याला दिसेल. हा संघ विजयी झाला त्यावेळी त्यांना 12 चेंडूत 38 धावा हव्या होत्या. आम्ही इंटरव्ह्यूला त्यांना विचारलं एवढ्या मोठ्या टेन्शनमध्ये तुम्ही काय केलं. त्यांनी सांगितलं काय करणार गदा फिरवली तलवार चालवली चेंडू फळीला स्पर्श झाला आणि एकदा काय धावा व्हायला लागल्या का नदी जशी वाहते तशा धावा वाहतात. आणि बरोबर त्यांनी तेच केलं. आता फलंदाजांना तेच करावं लागेल. आणि हा सामना तसाच आहे. खरंच आमच्या स्कोरर आम्हाला एक एक काय माहिती देत आहेत. इंडिया न्यूझीलंडचा सामना झाला होता पावसामुळे वर्ल्ड कपमध्ये तो सामना दुसऱ्या दिवशी खेळवला गेला आणि त्यावेळी जे घडलं तेच तिथे घडतं का काय असं वाटतं आहे. आणि आता ठाणे शहरातील नामवंत गोलंदाज एम्ब्रोस खान जे परदेशी टूर करून येतात त्या टूरमध्ये असणारा हा एक बिनीचा आघाडीचा गोलंदाज. काल त्याच्यावर जबरदस्त हल्लाबोल झाला होता. नाम कितना भी बड़ा हो लेकिन बल्लेबाज आपको बख्शेगा नहीं अगर आपने गलत लाइन चुनी गलत लाइन और लेंथ पर गेंद डाली तो आपको बख्शा नहीं जाएगा. यहाँ पर आपका समाचार लेंगे एम्ब्रोस एक बार फिर लेग स्टंप पर क्या गेंद है बहुत ब्यूटीफुल यॉर्कर. एम्ब्रोस अपना कमाल दिखाते हुए पहली गेंद पर क्लीन बॉल के रूप में यह विकेट का पतन होता हुआ और फिर एक बार
एम्ब्रोज ने बता दिया क्यों इनको बड़ा सितारा माना जाता है। बहुत बढ़िया गेंद, पहली गेंद से लाइन और लेंथ पर, बल्लेबाज का पैर का अंगूठा पकड़कर डाली हुई गेंद, परफेक्ट यॉर्कर, और बल्लेबाज के पास कोई जवाब नहीं था इसका, सिर्फ देखते रह गए। पीछे विकेटों का फर्नीचर बिगड़ा हुआ था, लेकिन अब दबाव में आती हुई अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा की ये टीम, भिवंडी की थाना क्षेत्र की टीम के सामने नए बल्लेबाज नीलेश, अब इनके ऊपर काफी दारोमदार है। यही टीम है जिन्होंने 115 रन का हाईएस्ट टोटल इस टूर्नामेंट में बनाया था, लेकिन वो दिन अलग था, ये दिन अलग है। टीम सामने अलग थी, यहाँ पे टीम अलग है, वहां पर स्तर अलग था। ये क्वार्टर फाइनल का सबसे बड़ा मैच है, यहां से सिर्फ दो कदम दूर है आप फाइनल से, एक गलती आपको फाइनल से बाहर करेगी। आज संडे किसका फंडे होगा ये पता चलेगा। 11 गेंद और 34 रन, मैच बढ़ता हुआ, रंग आता हुआ। गेंदबाज एम्ब्रोस फिर एक बार लंबे रन के साथ, ये गेंद तेज तर्रार गेंद, लेकिन ऑफ स्टंप को छोड़ती हुई, व्हाइट का इशारा अंपायर की जानिब से। अतिरिक्त रनों में एक रन की भरमार, लेकिन एम्ब्रोस अपनी स्पीड यानी गति को बढ़ाने के बहाने थोड़ी दिशा से भटकते नजर आ रहे हैं। यहां पर काफी तेज गति के गेंदबाज है, छरारा बदन है, लेकिन एक्यूरेसी जो इनके पास है ये कभी कभी गेंदबाजों में देखने मिलती है। अच्छी लाइन और लेंथ पर गेंदबाजी करते हैं, बल्लेबाज की परीक्षा लेते हैं ऑफ स्टंप पर, और अक्कू जो स्टंप के पीछे खड़े हैं इनको अपना अनुभव यहां पर देते हुए। ये गेंद इस बार बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, गेंदबाज के गति का यहां पर लाभ उठाया और खेल दिया था उसको डीप फाइनल के क्षेत्र में। बहुत ही नजाकत भरा स्ट्रोक 4 रन के लिए। क्या बल्लेबाजी कर रही है बल्लेबाज, देखा गेंदबाज काफी तेज गति से गेंदबाजी कर रहे हैं, ज्यादा मशक्कत नहीं की, गेंद के पीछे आए और पैडल स्वीप का शॉट खेला। फाइन लेग पर खिलाड़ी काफी वाइड खड़े थे, गति का फायदा उठाया, सिर्फ गेंद को दिशा दी और गेंद निकल गई काफी तेज गति से सीमा रेखा पार 4 रनों के लिए। 10 गेंदों में अब 29 रन चाहिए। आस्ते आस्ते मैच में और रंग बदलता हुआ, बल्लेबाजी कर रहे बल्लेबाज नीलेश, सामना करेंगे एम्ब्रोस की अगली गेंद का। एम्ब्रोस सबसे लंबा रन अप इस टूर्नामेंट का, शॉर्ट ऑफ लेन गेंद, लेकिन क्या तेज तर्रार गेंद है, गुड लाइन स्पॉट से गेंद जो टप्पा दिया था, पटकने बाद उठी गेंद, जरूर पटकी हुई गेंद थी, लेकिन बहुत अच्छी एक्यूरेसी लाइन पर, डॉट डिलीवरी। विलास स्मृति रानाल अपन तैयार रहा, ताबड़तोब टॉस बैंक कड़े जाए, विलास स्मृति रानाल ताबड़तोब अपनी नाणेफेक के लिए जाए। आज सामने नर एम्ब्रोस काफी जबरदस्त गेंदबाजी यहां पर अपने बॉलिंग मार्क पर, बहुत ही बढ़िया स्ट्रोक, टाइम किया हुआ स्ट्रोक हवा में, और यह गलत फील्डिंग, वन बाउंस चौका, यह गलत फील्डिंग थी, बैड फील्डिंग, जबकि आगे आकर इस कैच को अगर नहीं लेते तो शरीर को तो पीछे ला सकते थे, कीप योर बॉडी बिहाइंड द बॉल। लेकिन वहां पर जो खिलाड़ी है साकिब, ये समझ नहीं पाए, टेंशन को झेल नहीं पाए, दो पैरों में से गेंद फरार, गेटवे ऑफ इंडिया 4 रन के लिए। ऐसी गलतियां बाद में आपको कोसेगी जरूर, अब गलती आपने की है, जख्म आपने दिया है, मरहम भी आपको ही लगाना होगा। अब 8 गेंदों में चाहिए 25 रन, मैच फिर एक बार अपना रंग दिखाता हुआ, दो शॉट खेले लेकिन दो 4 रनों के लिए, एक फाइनल के क्षेत्र में और एक डीप लॉन्ग ऑन के क्षेत्र में। दोनों टेक्निकल शॉट बहुत बढ़िया थे, गेंदबाज की गति का उपयोग करना चाहते हैं, गेंद के पीछे आना चाहते हैं बल्लेबाज, उनको एलिवेशन नहीं मिल रहा है, लेकिन वो ढूंढना चाहते हैं। अच्छा संघर्ष अच्छे गेंदबाज और अच्छे बल्लेबाज के बीच एक बढ़िया क्रिकेट यहां पर दिखाई देता हुआ। एम्ब्रोस देखिए कितना लंबा रनअप है, 30 गज के बाहर से ये निकलते हैं, कम से कम 25 या 35 ये रनों का, कदमों का ये रनअप है। अगेन एम्ब्रोस की फिर एक बार बहुत ही बढ़िया गेंद, यॉर्कर लेन की डिलीवरी, बल्लेबाज का बल्ला शांत करती हुई, बल्ले की जड़ से खेला हुआ स्ट्रोक मिड ऑफ की दिशा में, एक ही रन यहां पर मुमकिन था और एक ही रन पे संतुष्ट बल्लेबाज नजर आए, लेकिन एक रन से स्कोर अब करवट बदलता हुआ 21 रन, अब चाहिए बराबर 7 गेंदों में 24 रन।
ये हालांकि चार शॉट का मैच है, कहा जाए तो बड़े शॉट चार लगेंगे तो मैच खत्म होगा। आखिरी गेंद एम्ब्रोस की, इस ओवर की। यह गेंद काफी महत्वपूर्ण है, बल्लेबाज इस पर प्रहार करने की जरूर जरूर प्रयास करेंगे। एम्ब्रोस अपने बॉलिंग मार्क पर, इस बार बहुत ही बढ़िया शॉट, टाइम परफेक्ट और जवाब सही, डीप मिड विकेट के बाहर 6 रनों के लिए। क्या शॉट था ये, थोड़ी गुड लाइन स्पॉट के आगे गेंद पिच हुई, फुल लाइन डिलीवरी, बल्ले के बराबर गेंद के पीछे आए और हाथ खोलने का मौका मिला, लेकिन क्या टाइमिंग था, टाइमिंग और प्लेसमेंट क्या संयोग था। ये 6 रनों के लिए गेंद, और इसी को तो क्रिकेट कहा जाता है, कभी इस पार कभी उस पार। अब 6 गेंद बाकी और 18 रनों की जरूरत, अब जीत आंखों के सामने नजर आ रही है, ऊपर से पेपर अभी भी आसान लग रहा है, लेकिन अगर गलती करोगे तो ये कठिन भी बन जा सकता है। अब जो टीम है अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा भिवंडी, इस टीम को ये सिद्ध करना होगा कि 115 रन की इनिंग जो उन्होंने खेली थी ये लकी नहीं थी, फ्लूक में नहीं खेली थी, सिद्ध करना होगा। लंबी बल्लेबाजी की गहराई जो उनके पास है, ये गहराई को यहाँ पर अब वास्तव में उतरना होगा, क्योंकि 6 गेंद 18 रन का मैच यहाँ पर आसान माना जाता है, लेकिन अब गेंदबाज का करतब कमाल ये बता देगा, क्योंकि आखिरी गेंदबाज वही आता है जो इस टीम का ब्रह्मास्त्र हो, जिसके पास तरकश के तीरों में से बहुत टाइप की गेंदे हो। साकिब, क्या ये अपने इस मैच को सेव कर पाएंगे? साकिब, इनके ऊपर काफी बड़ी दारोमदार। स्ट्राइक पर नीलेश है, और इस मैच को देखने के लिए हमारे सन्मय नगर सेवक सुहास देसाई भी है। ये गेंद, इस बार लेग स्टंप पर गेंद, बहुत बढ़िया गेंद, लेकिन खेल दिया था उसको स्क्वायर लेग पर, और ये गलत गलत एकदम गलत फील्डिंग, और ये 4 रन। काफी देर से आया निर्णय था अंपायर का, क्योंकि खिलाड़ी गेंद के ऊपर बैठे थे, गेंद के पीछे बैठना चाहिए। हमने बार बार कह रहे कमेंट्री के माध्यम से, जब गेंद आपके पास आती है तो आपका शरीर गेंद के पीछे आना चाहिए, गेंद के पीछे आओ ना, गेंद के ऊपर बैठो। अगर गेंद उड़ी रुकी तो आपको शरीर से टकरा कर रुक भी सकती है। कीप योर बॉडी बिहाइंड द बॉल, ये तो सिखाया जाता है कोचिंग मैनुअल में, लेकिन ये गलती नहीं, ये तो बड़ी गलती की उन्होंने। 5 गेंद 14 रन का मैच। ये गेंद शॉर्ट ऑफ लेंथ, और टाइम मिला, पुल किया, वंडरफुल, पावरफुल, ब्यूटीफुल, सक्सेसफुल, और क्या क्या कहे, मार्वलस सिक्सर। 4 गेंदों में चाहिए अब सिर्फ 8 रन। हमने कहा था ये भिवंडी के योद्धा है, ये भिवंडी की मट्टी की खुशबू लेकर यहां पर आए, जहां पर 365 दिन क्रिकेट का जलवा चालू होता है, उस जमीन से निकल कर ये खिलाड़ी आए। मैंने कहा था 3 शॉट का मैच है, ये रणजी स्मृति चषक में हो सकता है, कभी भी कोई नहीं कह सकता कि यहां पर कौन जीतेगा कौन हारेगा। Nobody can says who's going to win or lose. That is the Ranji Smriti Chashak. अब 4 गेंद 8 रन, अभी भी मैच हाथ से नहीं गया, देखते हैं इस ओवर में। अच्छी गेंद, लेकिन यहां पर फाइन लेग के क्षेत्र में काफी दूर खड़े खिलाड़ी, और ये 4 रन, और भिवंडी के डगआउट में खुशी का माहौल। ये जो बातें होती है सभी वहां पर हो रही हैं, क्योंकि उनको मालूम है जीत अब आंखों के सामने है, जीत का निवाला आप सिर्फ लेना है। 3 गेंदों में 4 रन, और 3 गेंदों में महाराष्ट्र जोड़ा दुष्काळ नव्हता, थोड़ी तुम्हाला मदत दिली गेली आहे, वाह क्या बात है। हरियाली आपके चेहरे पे क्या सुगंध दिखाई दे रही है। टाई अगर मैच हो गई तो सुपर ओवर में मैच खिलाया जाएगा, क्योंकि 3 गेंदों में कितने रन आए, 1, 2 चौके और 1 सिक्सर, 14 रन। बल्लेबाज ने बता दिया वो क्या सोच के उतरे थे, सोच अपनी अपनी होती है, लेकिन यहां पर सिद्ध भी करनी पड़ती है।
यही सोच पॉजिटिव होनी चाहिए, सकारात्मक दृष्टिकोण हा नेहमीच चांगला असतो। तीन गेंद ये गेंद बहुत अच्छा स्ट्रोक, लेकिन एक ही रन मिलेगा। डीप विकेट पर खिलाड़ी, दो रन का कॉल है, जाएंगे जरूर, तेजी दिखानी होगी। और ये रन भी कंप्लीट, बॉल फुटला पर। अगर गेंद यहां पर कुछ ब्रेक हुई हो तो ये गेंद शायद अंपायर डिसीजन देंगे, इस पे निर्णय क्या होगा। पहले अंपायर गेंद को चेक करेंगे, फिर डिसीजन देंगे क्या ये रन गिनी जाएगी अंपायर। नो नो नो, यानी ये डेड बॉल घोषित की गई है। नियम क्रमांक रणजी स्मृति चषक 22 इंटू ब्रैकेट ए ऑब्लिक बी, फूटी हुई गेंद होगी। अगर गेंद ब्रेक हो गई तो अब ये वापस गेंद की जाएगी। वाह क्या मैच है, अगर यहां से मैच घुमा तो ट्विस्ट मैच में आ चुका है। अब चाहिए कितने रन, तीन गेंदों में चार रन। गेंदबाज साकिब अभी भी वापसी का दरवाजा खोल सकते हैं, बशर्ते दो गेंदें अच्छी आनी चाहिए, सोच अपने अपनी। ये गेंद, अच्छा शॉट, और ये मैच फिनिश। व्हाट अ फिनिश, व्हाट अ फिनिश, कांग्रेचुलेशन अष्टविनायक, क्या बात है, कांग्रेचुलेशन वंस अगेन, अभिनंदन अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा भिवंडी। लास्ट षटकात काय घडलं, चौकार षटकार चौकार षटकार, सामना संपला, चार शॉटचा सामना। मी विनंती करेन पुन्हा एकदा विलासमती राणाळ, ताबडतोब आपण व्यासपीठाजवळ यायचं आहे, विलासमती राणाळ, तिथे हेमंत पाटील सर आणि शहजाद शेख। यस सर, थैंक यू सो मच बंडी देसाई जी। तो चलिए विलास स्मृति राणाळ कैप्टन ताबड़तोब, देखिए हमने पहले ही कहा था टॉस बॉक्स में आपको रहना जरूरी, उसी तरीके से विनिंग टीम के कैप्टन से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि आना है टॉस बॉक्स की तरफ। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा कैप्टन, चलिए आइए प्लीज। अष्टविनायक ठाकुरपाड़ा, सेलिब्रेशन बाद में करना है, पहले मैच के लिए टॉस करना है, प्लीज बी फास्ट, टाइम वेस्ट ना करें। यह है क्रिकेट, इसे कहते हैं क्रिकेट। अष्टविनायक कैप्टन प्लीज थोड़ा फास्ट, टाइम कम है, मैचेस ज्यादा है, ये चीज को ध्यान में रखिएगा। जो भी टीम जीत हासिल करेगी वो जाएगी टॉप फाइव में। ठाकुरपाड़ा कैप्टन और राणाळ कैप्टन, टॉस यहां पर कॉल कौन देना चाहेगा, राणाळ के कैप्टन कॉल देना चाहेंगे। फाउंडेशन यहां पर कहा है टॉस जीता है, पहले क्या करेंगे आप, फील्डिंग करना चाहेंगे, टाइम वेस्ट नहीं करते, ओपिनियन आज शॉर्ट में ही लेंगे, फील्डिंग सजा लीजिए। थैंक यू सो मच, बिल्कुल ओपिनियन नहीं लेने का वक्त है हमारे पास, ताबड़तोब मैच ऑन करें। हमारे साथ एक बेहतरीन शख्सियत मौजूद हैं यहाँ पर, बिल्कुल उनके शुभ हाथों से हम यहाँ पर मैन ऑफ द मैच जरूर देंगे। मैन ऑफ द मैच गोज टू प्लीज बंटी देसाई जी, नीलेश, यस सर नीलेश, मैन ऑफ द मैच गोज टू, प्लीज वेलकम मिस्टर नीलेश। आठ गेंदों में 30 रन इन्होंने यहाँ पर बनाए हैं। अख्तर शेख आपको भी यहीं पे आना है आपका सम्मान चिन्ह कलेक्ट करने के लिए, भंडारी वॉरियर कैप्टन। 1,25,000 रुपए के वाउचर्स और मैन ऑफ द मैच की ये चमचमाती ट्रॉफी, वेल डन वेल प्लेड, बहुत ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी परफॉर्मेंस रहा। उसी तरीके से भंडारी वॉरियर्स कैप्टन अख्तर अक्कू आना है सम्मान चिन्ह कलेक्ट करने के लिए हमारे प्रेजेंटेशन बॉक्स की तरफ। थैंक यू, बिल्कुल राबुड़ी की टीम के बेहतरीन खिलाड़ी रहे, भंडारी वॉरियर्स के नाम से ये टीम परफॉर्मेंस कर रही थी, लेकिन क्रिकेट लक का गेम होता है, किस्मत कब का कहाँ बदले ये कहा नहीं जा सकता। एक अच्छा मैच देखने मिला, सलीम पटेल साहब वेलकम।